औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल विविध रुमान में वेलकम करता हूं। और आज हम MGT 101 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के असाइनमेंट नंबर सॉल्यूशन 1 लेके आए हैं, जो 2021 में आए हुए हैं। और असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सकें। जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर लेने हों पेड बेसिस के ऊपर, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर नंबर दिया हुआ है। सारी MGT FIN ACC ECO जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो आए हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो असाइनमेंट क्या है, क्या ही है, इसको देख लेते हैं और फिर हम इसके आंसर को देखेंगे। आसान थी, लॉजिकली थी थोड़ी असाइनमेंट, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, चले आए हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये आपकी असाइनमेंट थी जो आई हुई थी, हमने इसको देखना है। ठीक है, और फिर आगे हम लेके इसे कुछ चलते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट थी 12-28 लास्ट डेट है, और 12 मार्क्स की थी, और हम इसको देख लेते हैं। कहते हैं क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग दी इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्ट द बुक ऑफ द बिजनेस कंसर्न 30 जून 2021। वैसे 30 जून 2021 का एक्सट्रैक्ट बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, जिसमें आपका दिया ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की, कैश इन हैंड दिया हुआ है ये 12,800 का, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है 25,000 की, क्रेडिटर दिए हुए हैं 54,000 का, और डेसेंडी डेटर दिए हुए हैं 20,000 के, और बैड डेट्स दिए हुए हैं 1,575 के, नेट सेल दी हुई है 65,000 की, बैंक चार्जेज दिए हुए हैं 5,453 के, और लोन गिवन टू दी ABC ब्रदर्स, मतलब आपने लोन दिया किसी को तो वो 40,000 का दिया है, कैपिटल आपका 2,50,000 है, लोन टेकन फ्राम दी बैंक, आपने लोन लिया है बैंक से तो वो 50,000 का है, कमीशन रिसीव किया है 10,000 की, रिटर्न इनवर्ड है 5,000 का, और रिटर्न कैरिज आउटवर्ड है 450 का। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन देखें, इन एडिशनल टू वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी गिव द अबव इन्फॉर्मेशन, वन मशीन कास्ट 30,000 वाज बॉट, हमने परचेज की थी 1 अप्रैल 2021 में। अब ये नई मशीन की बात कर रहा है। बेसिस एंड पॉलिसी ऑफ द चार्ज डेप्रिसिएशन द टाइम प्रोपोर्शनल ऑन द बेसिस ऑफ द यूज़, मतलब जिस तरह हम बेसिस एसेट को यूज़ करते जाएंगे उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन 10% एनम ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा प्रीवियन ऑफ द डाउटफुल डेट टू इज़ टू बी मेंटेन 5%, मतलब जो बैड डेट्स होंगे प्रीमियम द बैड डेट्स होंगे 5% होंगे। नेट लॉस ऑफ द जो आपका ईयर नेट लॉस ऑफ द फॉर ईयर ईयर इज 75। ठीक है, तो ये हमने देखना है। देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है हमारा। ठीक है, और हमने उसके बाद देखना है बुक ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज 30 जून 2021 या जो भी पर दिया हुआ है एवरी ईयर 30 जून तक उसका लास्ट मंथ महीना है। ठीक है, मतलब 1 जून से शुरू होकर, जुलाई से शुरू होकर उधर तक जाता है। कहते हैं बेस ऑफ दी अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर टू द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, फिर आपका वो निकालनी है परचेज निकालनी है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट और मशीनरी निकालनी है। ठीक है,
और उसके बाद आपने निकालना है चौथा है सैंडी डेटा टू दी प्रेजेंटेड इन दी बैलेंस शीट, ऑनर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन दी बैलेंस शीट। अब ये हमने अब इसने ये कहा हुआ है, ये नोटिस दिया कि प्री पेशन मतलब इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी हमने, ये बात जहन में रखें, जो मैंने चीज़ें रिक्वायर की हैं वो बताएं। कहता है कि एनी मिस्टेक इन पार्ट ऑफ दी अवार्ड जीरो मार्क्स इन दी पार्ट ऑफ सो विल बी केयरफुल विद दी सॉल्विंग असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट अच्छे तरीके से कीजिएगा। मेंशन ऑफ द ऐड और प्लस साइन एंड लेस और माइनस साइन, ये उसने कहा कि ये प्लस का साइन ब्रैकेट में देना है और ये माइनस में देना है ऐसे, मतलब ये प्लस का साइन ऐसे देना है माइनस का दे, आर नेसेसरी विद वर्किंग इन द केस ऑफ द एडिशनल सब्ट्रैक्शन अदरवाइज मार्क्स विल बी वर्किंग नॉट बी अवार्डेड, मतलब आपने ये एडस का ऑप्शन ज़रूर देना है। ठीक है, चलिए हम अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन में देखते हैं क्या आपका सॉल्यूशन है। चलिए हम असाइनमेंट की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और असाइनमेंट सॉल्यूशन की करने से पहले मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर लेने हो हमसे वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, या असाइनमेंट करवानी हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वो हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं ऑल बुक्स की पेड बेसिस के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट में देखिएगा सबसे पहले आपकी आती है नेट सेल, नेट सेल में से आपने जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देनी है, मतलब लेस आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर देनी है, मतलब आपने ये साइन क्या था माइनस का, मतलब वो माइनस का साइन भी आपने देना है। ठीक है, तो लेस इधर कर लो या उधर कर लो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो नेट सेल में अच्छा इसमें ना एक क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में दिया होता कैरी सेल इनवर्ड, तो सेल इनवर्ड को लेस नहीं कर देना इसमें, क्योंकि नेट सेल आती ही तब है जब आप इन सेल इनवर्ड को लेस करने के बाद कोई आती है ना सेल, सेल में से सेल इनवर्ड लेस कर दोगे, रिटर्न इनवर्ड कर दोगे लेस, तो वो आपकी नेट सेल आ जाएगी। ठीक है, या कोई अलाउंस लेस कर दोगे या कोई भी चीज़ लेस कर दोगे नेट सेल आ जाएगी, उसमें से कास्ट ऑफ गुड सोल आप निकाल देंगे तो वो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 का। तो ये हमारा 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो हमने इधर तक देखा था, पहली रिक्वायरमेंट हमने हमारी पूरी हो गई है, ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हमारी हो गई है। ठीक है, तो दूसरी रिक्वायरमेंट में आते हैं। अब दूसरी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले था परचेजेस, परचेजेस क्या था, परचेजेस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी थी 25,000, उसमें से आपने लेस कर देना है ओपनिंग स्टॉक, बस ओपनिंग स्टॉक हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास परचेज बचेंगी 10,000 की, ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि परचेजेज कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को एड, मतलब देखें ना कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, और फिर उसके बाद कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हुआ दिया ही नहीं उसने, ठीक है, और उसके बाद उसने ओपनिंग दिया हुआ है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है, जारी बात हम जब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एड बैक जाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक को हम जब लेस करेंगे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में तो हमारी परचेजेस 10,000 आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे जो हमने मूव करना है नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, मतलब हमने नेट बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी मालूम करनी है। सबसे पहले हमने देखे आएंगे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है हमारी 1,00,000, वो भी किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की, इधर एसेट की जगह आप प्लांट एंड मशीनरी लिख दीजिएगा, कास्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी हमारी 1,00,000 की, जो आपके क्वेश्चन में दी हुई थी। उसके बाद देखिएगा लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने लेस कर देनी है, तो वो हमारी कीमत आ जाएगी, डेप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू आ जाएगी हमारी 80,000, जिसे मैं कहते हैं कास्ट ऑफ जो एसेट बनती है वो 80,000 आ जाएगी आपकी प्लांट एंड मशीनरी की। उसमें से आपने डेप्रिसिएशन लेस कर देनी है, डेप्रिसिएशन कैसे लेस करनी है, स्ट्रेट लाइन बेसिस है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस हमेशा उसकी कास्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लेता है, तो कितना लेगा कास्ट, कितनी हमारी 1,00,000 का 10% लेंगे तो ये 10,000 बनेगा, 10,000 हम 80,000 में से लेस कर देंगे तो हमारी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कितने का, या प्लांट एंड मशीनरी बनेगा वो बनेगा 90,000 का। ठीक है, अब इसमें से उसने एक एसेट न्यू खरीदा था जिसमें 30,000 का था, वो 1 अप्रैल 2021 में खरीदा था, और उसकी डेप्रिसिएशन जब हम लेस करेंगे 30,000 × 10% × 3/12 करेंगे, क्योंकि हमने अप्रैल में खरीदा और ईयर एंडेड कौन सा है 31 जून 2021 है ईयर एंडेड, तो अप्रैल मई जून 3 माह है। ठीक है, तो 3 माह की डेप्रिसिएशन निकाल के हम ये 750 हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, 29,250 आपकी इसकी भी बुक वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी, तो टोटल बुक वैल्यू को जमा कर लीजिएगा तो आपकी वो टोटल बुक वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो पीछे जो अमाउंट दी हुई है ये देखें 90,000 और प्लस 29,250, ये ऐसे अलग अलग भी कर लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, मार्क्स नहीं काटेगा आपके और आपको पूरे मार्क्स दे देगा।
आगे देखते हैं आपका सैंडी डेटर टू द प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंट कराने हैं सैंडी डेटर, तो सबसे पहले आपके डेटर हैं 20,000 के, उसके बाद आपने न्यू प्रीमियम निकालनी है। न्यू प्रीमियम कैसे निकालनी है, 20,000 में से बैडर जो प्रीमियम बताई थी 5% है तो वो बनता है हमारा 1,000, तो 1,000 में से 20,000 में से 1,000 लेस कर देंगे तो हमारा डेटर हो जाएगा 90,000, अब 19,000। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, बैड डेट्स इसमें लेस नहीं करने हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि बैलेंस शीट में कौन सी प्रेजेंट होगी, तो बैलेंस शीट में हमेशा न्यू प्रीमियम एडजस्ट होती है और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होती है बैड डेट्स और न्यू प्रीमियम प्लस बैड डेट्स हो जाते हैं, तो इधर बैड डेट्स ऐड करने की लेस करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपकी आ जाती है मतलब उसने पूछा है कि ओनर इक्विटी टू प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल हमारा 2,50,000 है, उसमें से नेट लॉस उसने सॉरी लेस करना है इसको, ये लेस कर देना, इसको लेस कर दीजिएगा, इसको लेस कर दीजिएगा लेस नेट लॉस, तो नेट लॉस को लेस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इक्विटी बन जाएगा 17500 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये नेट लॉस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, आपको नेट लॉस निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आपने नेट सेल में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, फिर आपने डेप्रिसिएशन निकाली, कैरिज आउटवर्ड निकाला, ये ज़रूरत नहीं है। अब उसने खुद दिया हुआ है नेट लॉस आपको 75,000 का, तो कैपिटल में से नेट नेट लॉस आप 75,000 लेस कर दीजिएगा तो वो जो बाकी बचेगा आपका 175,000 आपका इक्विटी पोर्शन बचेगा। तो ये थी आज की असाइनमेंट। असाइनमेंट इतनी मुश्किल नहीं थी, यह थोड़ी लॉजिकल की थी, लॉजिकल थी, देखना था इसको। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँचे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।